रो के दिखाओ। गाइस ये है आप। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साक्षी और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके मुकेश भंडारी में। तो दोस्तों, आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि हम लोग आए हैं गांव में। आज हम लोग जा रहे हैं हल लगाने, तो मतलब खेती करने जा रहे हैं हम लोग। तो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, आधा व्लॉग तो अभी शूट कर लिया, इंट्रो में लेट शूट कर रही हूँ। सो आज का व्लॉग पूरा यही होने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगी पूरा हमारे गांव का व्यू और हम लोग क्या मस्ती करते हैं और क्या काम कर रहे हैं आज पूरे दिन में, ये पूरा इस व्लॉग में हम देखने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अब घर से निकल चुके हैं और ये है हमारे गांव का रास्ता, ये है हमारी गौशाला और ये मम्मी और समीर आगे से जा रहे हैं। और ये है हमारे गांव का व्यू। और यहाँ पे हमें अब एक दादी मिल गई है, तो मम्मी अभी उनसे गप्पे मार रही हैं, उसके बाद ही हम जा पाएंगे यहाँ से आगे। और यहाँ पे मम्मी और समीर तक थक चुके हैं। हाय गाइस, चढ़ाई में चलाने जा रहा, ये सब कमरों में बैठने का नतीजा है। क्या यार, अभी हमें मिल चुकी है एक और दादी जी और मम्मी थोड़ी देर करने वाली है इनसे बात, फिर चलेंगे हम लोग आगे की ओर। और ये हमारे गांव का आंगनबाड़ी स्कूल और अब हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे जिस खेत में हमें जाना है। ये है वहाँ खेत में जाने का रास्ता, यहाँ से हम लोग जाएंगे। और अभी तो थोड़ा दूर है वो खेत, यहाँ पे ये गांव वालों की गौशाला है और यहाँ से अब हम लोग आगे जाने वाले हैं। और इधर पे समीर। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं गांव में और अभी हम लोग रोटी ले जा रहे हैं। अभी हम ये देखो, मम्मी के पास है रोटी और मेरे पास है ये थैला, इसमें है बीज। अभी हम लोग आधे रास्ते में तो पहुंच ही गए, अभी बस पहुंचने वाले हैं, तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं। सबसे हाँ ऊपर पे है दादी लोग, चलते हैं अब। और ये हमारे गांव का सबसे बड़ा आम का पेड़ है, मतलब पूरे गांव में सबसे बड़ा आम का पेड़, आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। और गाइस, ये है हमारे खेत से यहाँ का व्यू। और ये है सभी। गाइस, ये हैं ताऊ जी, ये हैं तेसना से और आप देख सकते हैं इधर फुल जो पहाड़ी तरीके से खेत को जोतना वगैरह हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे एक्चुअली, ताऊ जी कर रहे हैं।
दोस्तों ये है यहाँ पे मम्मी, मम्मी अभी फुल जोश में। मम्मी हाँ। यहाँ तो देखो यहाँ पे मम्मी अभी ये हमारे खेत में सिरो जम रखा है आधे खेत तक। गाइस ये है यहाँ पे दादी, दादी अभी यहाँ पे है, क्या कर रही है दादी? क्या कर बे बालदेनी आई है किनारे तला को यो कुटले यहाँ खोन पोन बार का होनी नहीं था या जा खोन यो कुटो दिनी होन है कन के क्या कर खण मनकार हो यूं खण मनकार हो यूं बालदेनी आई है पंद्रह बाल ना रखे नहीं बाल भी नहीं डूबरी बार का भी नहीं होनी बार को मोनी कन बार लगे हाँ यहाँ पे मम्मी बोल दी दादी को कैसा बोलो ये खरे फरेड भाई को बे मांगने आ बाल तो था ये कुबाग फरेड है मनियन करी अभी धूप आई चुकी है पर अभी जिस खेत में हम लोग हैं यहाँ पे अभी छाया है तो हम लोग भी अभी फटाफट काम कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जल्दी जल्दी खत्म करके तब तक थोड़ा नाश्ता वास्ता भी कर ले। हम में से किसी ने कुछ नहीं खाया, हम लोग खेत पे खाएंगे। और अभी हम लोग इधर लाए हैं और खेत में तो आपको पता ही है कितना मजा आता है रोटी खाने में। और ये यहाँ पे समीर ये कुछ काम नहीं कर रहा, मैं व्लॉग बना रही हूँ, मम्मी इधर काम कर रही, दादी काम कर रही है, उधर वो काम कर रही है, कुछ नहीं कर रहा है ये, बस खड़ा है। तो मुझे और जैसे मेरे का व्लॉग बना शुरू हो गया तो अब ये थोड़ा काम करेगा और दादी फिर से हमको मिल गया आपने होली वाले व्लॉग में। दादी को देखा होगा, दादी ने बैक टू बैक जो कॉमेडी करी है। और क्या बोलना है, दादी का किस्मत घास काटना है, लोग बैठे हैं नीचे, हम घास काट रहे हैं, हमारे बैल भी नहीं है, मशीन भी खराब हो गई, हल कैसे लगाए, हम घास काट रहे हैं, सुंगर खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, इतनी धूप में जा रहे हैं हम खेतों में काम कर रहे हैं, क्या फायदा हमारा इस काम का, न तो पानी है न तो बारिश है। ये राम दुख ही दुख जीवन में, दुख ही दुख है हमारे जीवन में। सो गाइस अब सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट पार्ट यानी कि खाना खाएंगे अब हम लोग, अब हम करेंगे नाश्ता क्योंकि हम लोगों ने दो खेतों में तो कर लिया है काम, दोनों में से दादी पहले आ गई थी तो उन्होंने दो पहले कर लिए थे तो अभी कर लिए हमने, यानी कि हम लोगों ने आज चार खेतों में काम कर लिया है। अब हम करने वाले हैं नाश्ता। उठियो बे बोल दो घास दीनी पीनू दीनी चाय बनाई बोल दो तगड़ी पुंगड़ में आई बुआरे बार बोल लेता हूँ। अभी दादी को अभी दादी के दिल की पूरी बात अभी बाहर निकल रही है ब्लॉग में। और अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग खाएंगे खेत में खाना। सो और यहाँ पे अभी अभी ताऊ जी भी रेस्ट कर रहे करेंगे और बैलों को भी रेस्ट देंगे यहाँ पे। और इससे कुछ काम नहीं किया है पर एक खाने के लिए सबसे पहले पहुंच चुके। अरे मेरी मम्मी बैकग्राउंड में पूरा जो अभी बोल रहे हैं उनको दे दो, उनको दे दो। तो मम्मी अभी हमारे लिए खाना रखेगी, अभी इधर मम्मी रोटी रखेगी सबके लिए, ताऊ जी को तो दे दिया है उधर पे, अब हम लोग खाएंगे क्योंकि खेत में खाना खाने में बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। तो अभी हम लोग खाएंगे और बैलों के लिए कह दिया मम्मी ने। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाना शुरू कर रहे हैं। मम्मी यहाँ पे चाय भी लाई है हमारे लिए, इस थर्मस पे चाय है, पानी है और इधर रोटी और ये है सब्जी, हरी मिर्च भी है। और दादी को भी बहुत थकान लग रही है क्योंकि दादी सुबह से आई हुई है, मतलब 6 बजे से आ रखी है दादी। और ताऊ जी को भी यहाँ पे थोड़ी थकान लग रही है, हाथ में मत देना है, वहाँ पर रख देना। ए गबरू तेरी ताऊ की लड़ाई होगी तो मर छा बदियो रोटी खाना रे। अरे अबे मम्मी बोल रही है समीर को कि जो मिर्ची दे रहा है हाथ पे नहीं देते हैं। हाँ तो हाथ पे मत देना क्योंकि मम्मी क्या हो जाएगा, लड़ाई होती है हाथ पे देकर मिर्च। ओ देखा ये है कड़वाली का, पुराने जमाने की कहा होता है बनो। अरे मम्मी ने कुछ रोटी खा ली, कुछ ज्यादा खा ली, अब उठ नहीं रही है मम्मी। खेतों में रोटी खाने का मजा कुछ और ही होता है, मैंने ज्यादा रोटी खा ली है अब करूंगी काम, रोटी खा के मेरे को नींद जाने वाली है। मम्मी को गाइस अभी हम लोग ने खाना तो खा लिया है पूरा और अब हम लोग जाएंगे दूसरे खेत में, वहां पे हम लोग एक दो खेतों में थोड़ा काम वाम करेंगे, फिर उसके बाद तब हम लोग जाएंगे घर वापस।
तो अब चलते हैं दूसरे खेतों में। सो गाइस, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करा है उनको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है या फिर आपको कौन सी चीज़ हमारी पसंद आ रही है। हमारी व्लॉगिंग में, एडिटिंग में आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम या फिर कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं तो आप वो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो चीज़ें आपको पसंद आ रही है आप वो भी बता सकते हैं। आपने ऑलरेडी पहले भी बहुत बार सपोर्ट किया हुआ है, आपने 10K सब्सक्राइबर्स भी हमारे कंप्लीट कर दिए, लेकिन अभी स्टिल हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ, जैसे आप पहले भी सपोर्ट करते आ रहे हो अभी भी प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करो और चैनल को, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट्स ज़रूर करो, और बस यही। हाय मिस का, जरा दिखाओ, रो के दिखाओ, रो, ऐसे रोती है, रो के दिखाओ ये। चलो।